आपने सवाल किया कि मुंबई महाराष्ट्र को कैसे मजबूत करना है। मैं ये बिना झिझक कह सकता हूँ, ये मेरा दूसरा दौरा है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुंबई में महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक विभाग काफ़ी मजबूत है पहले से ही। समय समय पे हमें इसलिए आना पड़ता है कि हमें पदाधिकारियों के साथ मिलना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है और आगे की रूपरेखा तैयार करनी होती है। आज क्योंकि 28 तारीख को हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी का कार्यक्रम मुंबई के अंदर प्रस्तावित है, उसको हम किस तरीके से और बेहतर कर सकें, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो भी जिम्मेदारी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी देती है या महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी देती है, उसको कैसे बाखूबी हम अंजाम तक पहुंचा सकें, जो विश्वास वो लोग हम पे जता रहे हैं, हमारे चेयरमैन पे और हमारे संगठन पे जताते हैं, उसको हम कैसे बिल्कुल सही तरीके से उनके सामने पेश कर सकें, उसी की तैयारियों में आज मैंने मुंबई के तमाम ही ज़िलों के 6 के 6 ज़िलों के साथियों के साथ बैठक ली। सभी साथियों में बहुत उत्साह है माननीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर, और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो जो रैली 28 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की होने वाली है वो ऐतिहासिक रैली होगी।